हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टोमेटोस कैसे लगाते हैं और कैसे एक पौधे से ज़्यादा टोमेटोस ग्रो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वाले पॉट में बहुत ज़्यादा टोमेटोस के प्लांट है और ये सब इस छोटे से पॉट में ग्रो नहीं हो सकते, तो इसीलिए मैं इन सबको मिट्टी पर लगाऊँगा। इस वाले मिट्टी को आप देख सकते हैं, जो कि काउडंग और गार्डनिंग सोयल को मिक्स करके बनाया हुआ मिट्टी है। अगर आपके पास काउडंग नहीं है तो फिर आप नॉर्मल मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इस जगह के चारों साइड को मैंने बम्बू से कवर कर दिया। इससे ये होगा कि अगर बारिश हुआ ये मिट्टी ना जा पाए, इसलिए मैंने बम्बूस का यूज़ इस तरह से किया है। मैं ज़्यादा गैप्स नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, पर अगर आप मिट्टी में टोमेटोस के पौधे को लगाते हैं तो फिर एटलीस्ट आपको एक फीट का गैप्स देके लगाना चाहिए, क्योंकि टोमेटोस के पौधे बड़े होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो पौधे को लगाने के बाद उसके पूरे साइड की मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिए। और एक बात, टोमेटोस के पौधे पर ज़्यादा पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से पानी जाके जड़ों पर जमा हो जाते हैं और इससे पौधे मर जाते हैं। और टोमेटोस के पौधे आप कभी भी उगा सकते हैं, बस आपको उसे बारिश से बचाना पड़ेगा। उसके लिए आप पॉट का यूज़ कर सकते हैं। पौधे लगाने के 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं, पौधे मिट्टी के साथ पूरे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अभी इनका ग्रोथ अच्छा करने के लिए और हाइट देने के लिए मैंने बम्बूस का यूज़ किया है। बम्बूस का यूज़ करके मैंने जाली टाइप बनाया है, जिसके स्क्वायर शेप के अंदर टोमेटोस के पौधे हैं। इससे ये ग्रोथ भी अच्छा होगा और सीधा भी रहेगा। आफ्टर 20 डेज हमारे टोमेटोस के पौधे ने बहुत ही अच्छे से ग्रोथ लिया है। इसका हाइट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टोमेटोस के पौधे को एटलीस्ट 1 फीट का गैप देके लगाना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इस साइड से लेके उस साइड तक कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देता। इतना ज़्यादा टोमेटोस से पत्ते निकल के घने हो चुके हैं। और मैंने पौधे को थोड़ा थोड़ा ग्रो होने के बाद सेम उसी तरह से बम्बूस का यूज़ करके जाली बनाया है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं इतना हाइट होने के बाद भी ये कितने अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका हाइट अभी कितना है। 42 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं हमारे पौधे से छोटे छोटे टोमेटोस निकल के आ चुके हैं, और कुछ में से अभी भी फूल निकल के आ रहा है। बाकी जिनमें से अभी भी फूल निकल रहा है वो भी कुछ ही दिनों में टोमेटोस आ जाएंगे उनमें से भी। जैसे कि आपने कभी कभार नोटिस किया होगा, टोमेटोस के पौधे जो होते हैं उनके पत्तों का कलर येलो हो जाता है, ये फंगस के वजह से होता है। और इस तरह से होने से इन्हें तोड़ देना चाहिए, जैसे कि मेरे वाले में भी ऐसा ही हुआ था। इसके जो पत्ते थे वो येलो कलर के हो गए थे इस वाले जगह पे, तो मैंने इनको सभी को काट दिया था। टोमेटोस में कभी कभी ऐसा भी होता है, जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं या फिर जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं। उसका एक ही कारण होता है, कीटों के वजह से। टोमेटोस में ये सब कीटें बहुत ही कॉमन बात है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 10-12 दिनों में एक बार दवाई देना पड़ेगा। इस तरह का दवाई आपको किसी भी सीड हाउस में मिल जाएगा। मेरे वाले में भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने भी एक दवाई का यूज़ किया था जो मुझे 67 रुपीज़ में मिला। इसका नाम उस्ताद है। इसे आप 1 चम्मच पे लेके 1/2 लीटर वाटर पे मिला के किसी भी पौधे पे दे सकते हैं। सिर्फ टोमेटो नहीं, किसी भी पौधे पे दे सकते हैं। इससे वो फंगस का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर टोमेटो के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और अभी इन सब का हाइट 9 फुट से ज़्यादा है और मुझे अभी तक 6-7 किलो का टोमेटोस मिल चुका है इन सब से।